पाकिस्तान से जब इंडिया की तरफ आओ तो पहला ढाबा हमारा ही पड़ता है। पीछे देख लो ना भाई, ये भी बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? पानी की बोतल जो है ना 20 रुपए की आती है, पर जिस ढाबे पे मैं आपको आज लेके आया हूँ, यहाँ पे कोई भी मील लो आपको साथ में लस्सी अनलिमिटेड फ्री, अनलिमिटेड मतलब जितनी मर्जी खाओ। और ऐसा कमाल का पंजाबी फूड है, देख के हैरान हो जाएगा। और एक सब्जी मिलती है जो पूरा पंजाब घूम लिया हमने, सिर्फ यही मिलेगी। सर सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाम क्या सर आपका? मेरा हरप्रीत जी। सर लोगों ने कहा सबसे पुराना ढाबा आपका। कितना पुराना ढाबा है सर अपना? 48 हो चुके हैं। 48 साल पुराना ढाबा है। तो 48 साल से सर आपने फिरोजपुर जैसे बड़े शहर में नाम बनाया। नाम जो बनता है पानी वो बनता है स्वाद की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वाद सामने किचन नजर आ रही है, मेरे को एक बार दिखाइए क्या क्या सर किचन में। आइए सर, आइए। किचन एरिया आ गया, आप चेक करो पाजी। बिल्कुल देसी ढाबा रखा हुआ आपने वैसे। हाँ जी, ये पुराना ही जमे डैडी दादा ने रखा उस टाइम चल रहा है। दाल मखनी स्पेशल। ये भाई देख चेक करो, क्या कमाल की देख पड़ी है, पित्तल की, और अंदर गर्मा गर्म दाल। वाह, एकदम खोलती हुई दाल है, बहुत ही बढ़िया। सर कितने घंटे लगते दाल बनने में? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे ऐसी देख पे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। काले चने ये आ गए जी, काले छोले। वाह, अच्छा इसको तड़का बाद में लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। वाह, ये आ गए जी ग्रेवी। किस चीज की ग्रेवी है सर ये? ये शाही पनीर की। शाही पनीर की ग्रेवी। ये आ गए राजमा जी। और ये भाई चेक करो राजमा, चित्रे राजमा, बहुत ही सुंदर, बड़े कमाल के। जो सब्जियां सारी सर ये पूरी तैयार नहीं है, इनको बाद में तड़का लगाया जाएगा। हाँ जी। अब ये क्या है सर? ये भी राजमा ही है। ये भी है जी राजमा। अच्छा, राजमा को लोग ज्यादा प्यार देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या भाजी इसमें? इसमें दाल है जी जो तड़का लगा के रखी। अच्छा, बॉयल होती है वो थी जी, बॉयल्ड दाल। अब ये आ गई तड़के वाली दाल, और उसकी जो खुशबू है बहुत ही ज्यादा कमाल। काफी पुराना ढाबा है, बड़ा ही आपने अच्छा मेंटेन किया। अब खिलाओगे क्या आप यहाँ पे? हमारी स्पेशल है जी पनीर टिक्का बटर मसाला, जो हमको आम नहीं मिलेगा खाने के लिए। पनीर टिक्का बटर मसाला? हाँ जी, ग्रेवी में होगा जी। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये और किसी ढाबे में नहीं मिलेगा? नहीं नहीं। और क्या सर? फेमस हमारा। अच्छा, स्पेशल थाली होती है हमारी। वाह, तो दिखाइए सर एक बार। आइए। अब ये शेरे पंजाब स्पेशल थाली लगने वाली है भाई। पहली आइटम आ रही है थाली के अंदर, शाही पनीर। ये आ गई बढ़िया ग्रेवी पैन के अंदर। इसमें कितनी सब्जियां रहती है शेफ साहब अपनी ये वाली थाली में? इसमें 3 सब्जी रहती है। 3 सब्जियां आने वाली हैं यार, जो पहली का जलवा है ना, इसमें ड्राई फ्रूट भी आ गए हैं और ग्रेवी हो गई है बढ़िया से तैयार। ये आ गई जी अमूल की फ्रेश क्रीम। अब ये आ गई जी शाही पनीर की आन बान और शान, खुद पनीर, क्योंकि इसके बिना तो भाई शाही पनीर अधूरा है। शेफ साहब इसके बाद क्या लग रहा है अब? मिक्स वेज। अब ये लगने वाली है जी मिक्स वेज। पनीर हो गया तैयार, अब आ रही है नेक्स्ट हमारी आइटम मिक्स वेज। अब ये आ गई जी थाली के अंदर शाही पनीर। थाली के अंदर आने वाला नेक्स्ट सब्जी है मिक्स वेज। इसके अंदर आ गई ढेर सारी वेजिटेबल्स। यहाँ पर आके खाने वाले कस्टमर्स कम है, पर भाई जो जोमेटो और स्विगी का माहौल है वो बहुत ही कमाल का, और स्पीड जो है शेफ साहब की वो भी बहुत ही कमाल की। तो बातें बातों में यार मिक्स वेज बन के तैयार है। तो भाई ये चेक करो लगने वाली है दाल, बहुत ही कमाल की। अब ये दाल को पहले ही तड़का लगा हुआ है, पर थाली के अंदर आप डबल तड़का भी ले सकते हैं। और ये आ गई जी अमूल क्रीम। दाल मखनी भी हो गई है जी लगकर तैयार, और ये आ गई है सीधा थाली के अंदर, बहुत ही कमाल। थाली तो देख ली, बहुत ही ज़्यादा कमाल है। अब कोई एक ऐसी सब्जी है मेरे को सुनने में आया जो पंजाब में सिर्फ यही शेरे पंजाब ढाबे पे मिलती है। तो भाई ये बड़े बड़े साइज में पनीर कट हो गया, कैप्सिकम आ गया, टमाटो आ गया, अनियन आ गया। सर क्या बनाने लगे? पनीर टिक्का बटर मसाला। अच्छा, स्पेशल तंदूरी सब्जी। तंदूरी सब्जी? हाँ जी। क्या बात है यार, ये सब्जी जो है तंदूर में बनने वाली है। इसके ऊपर एक स्पेशल पेस्ट आ गया। किस चीज का पेस्ट है सर? ये दही ना होता है। अच्छा, एकदम लपेट के अच्छे से ग्रेवी में कोट कर दिया। वाह, अच्छा अब ये सीख में लगी है, ऐसे पनीर टिक्का लगता है। हाँ जी, अब उसके बाद ये तंदूर में जाएगा। वाह, तो अभी ये सीख लग रही है, जैसे टिक्का तैयार होता है वैसे टिक्का तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तंदूर में जाने के बाद ये सब्जी तैयार होगी। हाँ जी, पहले तंदूर में लगेगा, बाद में ग्रेवी में इसको ऐड करेंगे। क्या बात है जी, तो बने रहो यार वीडियो में, आगे आपको दिखाते हैं क्या होता है इसके साथ। तो भाई ये सीख हो गई पूरी तैयार और जा रही है तंदूर के अंदर। वाह, अगर पनीर टिक्का नाम है तो भाई पूरा बढ़िया तंदूर में होगा ना, उसके बाद बनाया जाएगा। अब ये पनीर टिक्का बटर मसाला की भाई ग्रेवी तैयार हो रही है। रोगन आ गया बीच में, साथ में आ गए टमाटर, अदरक आ गया, ये आ गया नमक, मिर्च, और स्पीड है जो उस्ताद जी की भाई बहुत ही तेज। बढ़िया पाजी ने तड़का तैयार कर दिया। अब क्या आएगा उस्ताद जी इसमें? अब ये आ गई जी ग्रेवी। वाह, जो यूनिवर्सल ग्रेवी है, और भाई जो तड़का है माहौल है बहुत ही कमाल का। वाइट बटर, ये आ गया जी सफ़ेद मक्खन,
और बढ़िया मक्खनी ग्रेवी तैयार। करो यार, तंदूर से आ चुका गर्मा गर्म पनीर टिक्का, और जो पनीर के बड़े बड़े क्यूब्स थे उनकी कटिंग करके डायरेक्ट ग्रेवी के अंदर, बहुत ही शानदार है। पनीर की कटिंग की जा रही है कढ़ाई के अंदर ही। इतने ढाबे कवर किए हैं पर ऐसी आइटम नहीं देखी, तंदूरी आइटम और ग्रेवी आइटम दोनों को मिलाकर ना एक नए कॉम्बिनेशन बना दिया गया। अब इसमें आ रहा है जी अमूल क्रीम, तैयार है सर? हाँ जी सर, तैयार है। अब इसको डेकोरेट किया जाएगा। अब इसकी होने वाली है जी डेकोरेशन। ऊपर आ रहा है अमूल मक्खन, पापड़ लगेगा अभी। अरे पापड़ भी आता है इसके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, पापड़ लगेगा। क्या बात है यार, ये देखो चीज की जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी बढ़िया है। तो पूरा लोडेड रहने वाला है यार, मतलब एक प्लेट खाओ और डिनर की छुट्टी। अब ये हो रही है जी थाली फाइनल लुक तैयार। अब ये आगे राइस, भाई बोलने में देसी ढाबा पर जो लुक एंड फील मिलेगी ना वो पूरी रेस्टोरेंट वाली मिलेगी आपको। अभी तंदूर में से आ जाएंगे जी लच्छे पराठे, मिस्सी रोटी और बटर नान। क्या बात है भाजी, दिल बना रहे हो इस पे? हाँ जी सर, दिल टूटा बड़ा। दिल टूटा हुआ भाजी का? दिल टूट गया। क्या बात है जी, भाजी का दिल टूट गया पर थाली में भाजी जोड़ दिया। पनीर की हो रही है जी बारिश, क्योंकि पंजाब में अगर आए हो मक्खन घी और पनीर में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो भाई बढ़िया ढाबे का पंजाबी खाना हो ना, चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती है। ये रहा यहाँ का स्पेशल पनीर टिक्का मसाला। वीडियो भी शर्मा ने बताया ना, लस्सी भाई अनलिमिटेड फ्री, जग दे दिया साथ में, पियो कहते दबा के। बटर नान, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी, मेन्यू में तीनों चीजें लिखी जाती हैं, उसमें और दो ऐड कर दी जाते हैं कि भाई तीनों में से एक चीज मिलेगी, पर यहाँ पे तीनों मिलेंगी। तो लच्छा पराठा से शुरुआत करते हैं। टेबल जो है बिल्कुल बाहर ही लगा लिया है, लोग पीछे आके रुक रहे हैं, ऑटो पे बसेस भी रुक रही हैं, पर हम नहीं रुक रहे। पहली जो आइटम है ना वो आओ पास, यहाँ से गर्मा गर्म दाल, गर्मा गर्म। सुबह से हम घूम रहे हैं, जिससे भी पूछा ना कि भाई ढाबा कवर करना है कोई ढाबा बताओ, हर बंदे ने एक ही नाम लिया, शेरे पंजाब ढाबा जाओ, शेरे पंजाब ढाबा जाओ। अब पता लग रहा है क्यों जाओ। दाल एकदम मखमली कैरामलाइज, बढ़िया वाली दाल है। अब ये है जी यहाँ का शाही पनीर। ओहो, कमाल का शाही पनीर है। अब ये नहीं पता भाई भूख मेरे को ज़्यादा लगी है कि शाही पनीर बहुत ज़्यादा स्वाद है, पर ये वाली प्लेट का शाही पनीर बहुत ज़्यादा देर से मैंने ऐसा शाही पनीर नहीं खाया। अब नेक्स्ट ये देखो गर्मा गर्म मिक्स वेज, ना ऐसी आइटम है कि कभी एक बाइट में नहीं पता लगेगा, मल्टीपल बाइट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट बाइट से पहले ना पीछे देखो आप, चले गए लोग, काफ़ी लोग खड़े मुझे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, वो लाइक नहीं कर पाएंगे वीडियो, आप कर देना। पर नेक्स्ट आओ ये देखो, पर ये चीज़ देखना कमाल है यार। भाजी ने मेकिंग नहीं देखी थी, पर ये चीज़ देखो, ये जो पनीर है ना, ये तंदूरी पनीर आप देख रहे हो, टिक्के वाला पनीर है, पनीर टिक्के का पनीर, पनीर बटर मसाला की ग्रेवी, दोनों को मिला दिया है, जुला दिया है, और भाई ये चीज़ बढ़िया है, देख रहे हो ना, ये देखो इतना मखनी क्रीमी बढ़िया वाला टेक्स्चर। हर जगह जब हम जाते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया खाना दिखाया जाए, आप भी वहाँ जाके बढ़िया बढ़िया खाना खा पाओ। पर ये तो मेरा बस चले ना, तो भाई होम डिलीवरी करवा दूँ, ऐसा स्वाद है पनीर का, तंदूरी आइटम ग्रेवी की आइटम दोनों को मिलाया और ऐसा कमाल की चीज़ बनाई ना। खाली खाओ ना खाओ, पर जब भी इस ढाबे पे आओ, फिरोजपुर आओ, तो ये पनीर ज़रूर खाना। लोकेशन भी भाजी बताएंगे, सुन के जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। दिल्ली मुल्तान रोड पड़ता है, नियर कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, फिरोजपुर कैंट बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक।